चेहरे को अत्यंत शुभ तिथि माना गया है, अबूझ मुहूर्त माना गया है। दशहरे के दिन नए व्यापार को करना, कार्य की शुरुआत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन वाहन खरीदना, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदना, सोना चांदी आभूषण इत्यादि खरीदना शुभ माना जाता है। आज के दिन नीलकंठ भगवान के दर्शन करना भी शुभ माना जाता है। दशहरे की शाम को संध्या का जो समय होता है वो विजय काल कहलाता है। एक ट्रेंड बन गया, शाम होते ही आज सब बाहर सैर सपाटे के लिए निकल जाते हैं। मेरी आपसे विनती है कि आज सैर सपाटा बाद में कर लेना, शाम के समय, संध्या काल के समय, गोधूली वेला के समय कम से कम एक दो घंटे बैठ के थोड़ा जप ध्यान कर लीजिए। इस काल में, इस समय में श्री हनुमान जी का सुमिरन करते हुए एक मंत्र अगर आप कर सके, चौपाई है कर सके, तो बेहतर परिणाम मिलता है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज जगत में माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। इस चौपाई का एक घंटे तक सुमिरन कीजिए, जाप कीजिए। तो कौन सा ऐसा काज है जो तुमसे नहीं हो सकता, हे भगवान, तो मेरे भी इस काम को आप कर दो। देखिए कैसे आपकी समस्याएं चुटकियों में दूर होती। ऐसे ही शाम को देवी का सुमिरन करें, जाप करें। बड़ा सरल मंत्र है, ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए। और भी कुछ खास उपाय हैं जिनको करने से आपके जीवन के हर प्रकार के जो संकट है, भय है, वो दूर हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ सरल उपाय भी आपको बता देता हूँ। आज दोपहर के वक्त ईशान दिशा में, ईशान कोण में भूमि पर साफ स्थान पर कुमकुम चंदन पुष्प से अष्टदल कमल बना लीजिएगा। अपराजिता देवी, जया और विजया देवी को याद करते हुए उनका पूजन कीजिएगा, सब भय दूर होंगे। आज के दिन शमी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। शस्त्रों की पूजा की जाती है। शनि की पूजा से टोने टोटके दूर होते हैं, नेगेटिव पावर्स जो होता है उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। आज के दिन ही संध्या के समय शमी वृक्ष के नीचे दीपक जलाइए। किसी भी प्रकार के मुकदमे, कोर्ट कचहरी से यदि आप पीड़ित हैं तो उसमें विजय मिलती, शत्रुओं का नाश होता है, स्वास्थ्य प्राप्त होता है, धन की प्राप्ति होती है। काम धंधे से जुड़ी हुई वस्तुओं, अपने लैपटॉप कंप्यूटर तराजू इत्यादि की भी आज के दिन पूजा करनी चाहिए। विशेष उपाय, आज सुबह के समय हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाइए और शाम के समय मोदक का, लड्डुओं का भोग लगाइए। निश्चित तौर पे दशहरे के दिन इन उपायों से आपकी सभी मनोकामना